हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ स्मिता मिश्रा। मैं आपको इस सीनियर जीआरएफ के लिए तैयारी करा रही हूँ। तो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल त्रिभुवन कुमार भारती पर। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए ये मॉक टेस्ट लेके आई हूँ जो हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ठीक है, ये थर्ड सेट है। इसके मैं आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और देख लीजिए इस तरीके से हमारा जो है प्रैक्टिस सेट जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी ये किस तरीके से आपको मतलब यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है। आपको जैसा कि मालूम होगा, देवकी नंदन खत्री इन्होंने तिलस्मी प्रकार के उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, जैसे चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, ठीक है, कुसुमलता, ठीक है, इन्होंने कैसे तिलस्मी प्रकार की, आपने कभी पढ़ा होगा, शायद चंद्रकांता पढ़ा होगा या बहुत सारे इन्होंने जिसमें बहुत अच्छी सी कहानियाँ लिखी जाती हैं, तो तिलस्मी प्रकार के इन्होंने जो है उपन्यास लिखे हैं। तो इनका जो नहीं है वो पूछा गया है, आप नहीं पे ध्यान दीजिएगा एग्जाम टाइम। ठीक है, नहीं है तो नहीं है वी ऑप्शन भागवती। अब इसे हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम इसको अटेम्प्ट इस तरीके से करेंगे, आपको बताते हैं ये। ठीक है, भागवती के बारे में हम आपको बता दें, भागवती जो है 1877 में लिखा गया है। ठीक है, ये किसने लिखा है, ये श्रद्धाराम फुलेरी ने लिखा है। इसमें इसका विषय क्या है, मैं इसके विषय के बारे में आपको बता दूं, ये स्त्रियों के का जो गृहस्थ जीवन है उस पर लिखा गया है, और दूसरा है बालिका विवाह का विरोध। ठीक है, बालिका विवाह का विरोध इसमें किया गया है भागवती में, 1877 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तभी आपको नेट जीआरएफ क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमने अटेम्प्ट किया इसका, और यहाँ पे 7 नेक्स्ट किया। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये जो यहाँ पे 7 नेक्स्ट लिखा है, अगर आपको क्लियर क्वेश्चन पता है तो आप इसे ही करिए। ठीक है, नहीं पता है तो आप रिव्यू कर दीजिए, नेक्स्ट करिए। अगर आपको थोड़ा बहुत मालूम है तो आप ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर रिव्यू नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा देती हूँ। जैसे अगर आपको इसका नहीं आता, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो क्या आप करेंगे, आप इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके इसको जब क्लिक करेंगे, दिखाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं इस तरीके से ऑप्शन आता है, आपने राइट किया तो इस तरीके से आ जाएगा, और जो आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिया है वो इस तरीके से आएगा। ठीक है फ्रेंड, आपको मैं पूरा इसका डिटेल बता रही हूँ। और अगर आप यहाँ पे ये क्लिक किया, अगर आप इसे क्लिक करें या इसे क्लिक करें तो इसी तरीके से आएगा। ठीक है, जैसे फिर देखते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन है आगरा का बोली क्षेत्र है। ठीक है, मैं आपको फिर रिपीट करके बता दूँगी। ठीक है, तो इसका क्या है, हम समझ लीजिए हमें नहीं आता, या हम इसको इसी तरीके से कर देते हैं। ठीक है, हमने फोर ऑप्शन पर क्लिक किया और मार्क इन मीन्स सेव मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। ठीक है, तो कैसा आएगा, यहाँ पे हमने क्लिक किया, देखिए फिर इसी तरीके से आया, इसको दो बार कर दिया। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हम इसी तरीके से करके दिखा रहे हैं आपको, अभी हम फिर सॉल्व कराएंगे। अब हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो कैसा आएगा इस तरीके से। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने पेपर पूरा सॉल्व करना है कि आपके कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है और आप जल्दबाजी में मतलब टाइम जब हम एग्ज़ाम के लिए देने जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा बर्डन हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, फिर से टाइम हमारे पास होता है जब आप प्रैक्टिस बराबर करेंगे, और इसीलिए मैं कहती हूँ आप इनरोल कर लीजिए हमारे प्रैक्टिस टेस्ट में, जिससे अभी से जब आप, बहुत सारे लोग कहते हैं लास्ट में हम जो है लास्ट में इनरोल कर लेंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं फ्रेंड, अभी से आप लग जाइए। अभी से ये होगा कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आखिरी तक कि हाँ अब तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर होना ही है। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से आपका
मतलब एक एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी, ठीक है? तो ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करना है। अब हम अगर हमें सेकंड क्वेश्चन पे जाना है तो क्या करना, यहीं पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है? तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया, ठीक है? अब इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? यहाँ पे ग्रामीण चेतना है, ठीक है? तो ये इसमें जो है विवेक ही रहा है, तो इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे सेकंड पे, ठीक है? और सेवन नेक्स्ट कर दिया, नीचे आपको दिखा रहे हैं, देखिए सेकंड को जो हमारा क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम थर्ड पे आ जाएंगे, थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? देखिए आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, ठीक है? मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि अभी अब हमारी फीस भी बढ़ सकती है और हो सकता है इसके बाद भी फीस बढ़ाई जा सके, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल कर लेंगे तो फीस बढ़ानी ही पड़ेगी ना। तो आप इनरोल कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है? और उसके अलावा आपको पता होगा इतने फॉर्म अप्लाई होते हैं तब उसमें लगभग 2000 या 2500 किसी भी सब्जेक्ट से क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, एक एक समय को अपने एक एक मिनट को उपयोगी बनाते हैं, ठीक है? वही आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लास्ट में कर लेंगे तो आप लास्ट में ही जाएंगे, ये भी सोच लीजिए, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, आगरा का बोली क्षेत्र है, आगरा का बोली क्षेत्र है, वहाँ पर कौन सी बोली ज़्यादा बोली जाती है? तो आपको क्या लगता है, अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली या छत्तीसगढ़ी? तो हम आपको बताते हैं वहाँ पे ये, ओ सॉरी, हमने आपको एक क्वेश्चन कराया है, सेकंड क्वेश्चन हमने आपको शायद नहीं कराया है, अभी मैं देखती हूँ, पहले सेकंड क्वेश्चन पर हम जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर बाद में हम इसको कराते हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपने, हाँ एक क्वेश्चन, एक बात और मैं बता रही हूँ, अगर आपने सेवन नेक्स्ट कर दिया है फिर भी आप अपने क्वेश्चन को बदल सकते हैं, सही रहा, मैं आपको भूल गई थी, और सेवन नेक्स्ट कर दिया, आप फिर भी अपने क्वेश्चन का आंसर चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड? ऐसा एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर मैंने ये हाँ सॉल्व करा दिया था, तो सेवन नेक्स्ट कर दिया, और आगरा का बोली क्षेत्र है, तो ये आगरा का बोली क्षेत्र क्या है, ब्रज है, ठीक है? यहाँ पे हमने मार्क फॉर रिव्यू के लिए हमने छोड़ा था इसे, ठीक है? तो ये ब्रज जो है ऑप्शन है इसका, तो हम इसमें थर्ड ऑप्शन सही करते हैं और इसमें सेवन नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है? फिर है, गासा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? गासा दत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास जो है किस भाषा में लिखा है? आपको शायद पता भी होगा, क्या जर्मनी में लिखा, अंग्रेजी में या हिंदी में या फ्रांसीसी में, ठीक है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताएंगे हमें, अगर आपको मालूम है, ठीक है? अगर आपको इस तरीके से आ रहा है तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपको 25 क्वेश्चन करा रही हूँ, इसमें अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ वास्तव में यहाँ पे हम इनरोल करेंगे तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? मैं आपको जो क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत ही अच्छे टाइप से करा रही हूँ कि जिससे आपका एक क्वेश्चन नहीं, आपके यहाँ से तीन क्वेश्चन, तीन आंसर बनने चाहिए, ठीक है? तीन क्वेश्चन ही और तीन क्वेश्चन के तीन आंसर भी, ठीक है? तो गासा दत्तासी जो थे प्रथम इतिहास लिखने वाले थे, किस भाषा में, फ्रांसीसी में, ठीक है? इसका ऑप्शन ए सही होगा। कब लिखा था इन्होंने, तीन संस्करणों में लिखा था, प्रथम दो, मतलब प्रथम जब आया था तो उसके दो संस्करण आए थे, 1839 में, 1839 में और 1847 में, ठीक है? और एक आया था जो 1871 में, ठीक है? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है? किस भाषा में, फ्रांसीसी, ठीक है? तो हम इसमें आपको ऑप्शन बता देते हैं, फर्स्ट होगा और सेवन नेक्स्ट हो जाएगा, आपको दिखा भी दें, इस तरीके से आप आंसर देते जाएंगे तो आप ग्रीन होते जाएंगे, यहाँ पे लिखा भी है इस तरीके से, ठीक है? आप इसे देख सकते हैं, मैं आपको बहुत इजी मोड में बता रही हूँ, क्योंकि देखिए आप जितना शायद नहीं जानते होंगे, एक हमें इसीलिए कहा जाता है, एक अच्छा बताने वाला अगर आपको मिल जाता है, सही रास्ता बताने वाला मिल जाता है, तो आप बहुत जल्दी से पहुंच जाते हैं जगह पे, और नहीं तो पहुंचेंगे लेट हो जाएंगे, घूमेंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा, ये होता है, ठीक है? अब फाइव क्वेश्चन हम देखते हैं, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला? डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है इश्तहारनामा, ठीक है? तो इश्तहारनामा वह था जो अदालतों में या हमारी जो
अदालतों में जो काम होते हैं, कचहरियों में काम होने लगे थे देश की प्रचलित भाषाओं में, ठीक है। तो वह कब हुए थे पूछा गया है, सन पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इसका सही है 1836, ठीक है, सी ऑप्शन। तो इसे हम यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है क्लिक करेंगे और इसमें 7 नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, ठीक है, मैं आपको सही आंसर बता रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई एग्ज़ाम में जब आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप भी 100 में, मेरा तो यही कहना है कि आप 100 में 100 ऑप्शन सही करके आएँ, और अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो लगभग 80 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे ही। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको इस तरीके से, मैं मतलब कितना भी मैं खुद पढ़ाई करती हूँ, मैं खुद तैयारी करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे जो आ रहा है मैं आप लोगों तक शेयर करूँ, ठीक है। और आपका काम है आप इस वीडियो को शेयर करिए जिससे आपको पता चल सके कि आपके सब्जेक्ट से कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे इतने सारे लोग बैठेंगे मेरे सब्जेक्ट से, तब आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे 6 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, ठीक है। नहीं पे ध्यान देना है आपको, नहीं पे भी ध्यान देना है कि नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम टाइम, इसमें भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, पश्चिमी में आती है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी, ठीक है। अवधि जो है पूर्वी हिंदी में आती है, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकलती है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अवधि इसका ऑप्शन होगा, तो इसमें जो है 1 ऑप्शन जो है वही सही है, ठीक है, 7 नेक्स्ट कर देंगे। अब इसमें है 7 क्वेश्चन, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है, क्या स्थान है, तालव्य, ठीक है, बी, मैं कंठ तालव्य और इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, बता चुकी हूँ, आप देखिए मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको बता, अगर आपने देखे होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन रहे होंगे, क्योंकि मैं ये सब थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि थ्योरी पहले करिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनेगा वो आपसे सही होगा, ठीक है। तो इसका जो है तालव्य, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, तो 2 इसमें 7 नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधी भाषा, सिंधी यहाँ पे थोड़ा हिंदी में गलत लिखा है, मतलब टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है, तो यह है ब्राचर, ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है इसका 1 वही सही हो जाएगा, ठीक है, 7 एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, 22 भाषाएं हैं, पहले 18 थी, फिर प्लस 4 हुई तो 22 हो गई, ठीक है, मूल में 18 थी फिर प्लस 22 हो गई, मतलब 4 उसमें जोड़ी गई। तो इसमें कौन सी नहीं है, डोंगरी भी है, संथाली भी है, बोडो भी है, इसमें नहीं है जो भोजपुरी, ठीक है, डी ऑप्शन। 7 नेक्स्ट करते हैं, 10 क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, इसमें अपमान, अपराध, अपयश, अपमति, तो अपमान का मान भी हो जाएगा, ठीक है, अपयश का यश भी हो जाएगा, अपमति का मति भी हो जाएगा, अपराध जो है बी ऑप्शन, इसमें राध नहीं हो सकता है, ठीक है, अपराध, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है, तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट होगा, ठीक है, 7 नेक्स्ट कर देंगे। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है, इसमें जो कवियों को उनके जनपदी भाषा से सुमेलित करना है, ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, तब भी आप हमारे साथ अगर जुड़े रहे तो आपका बहुत अच्छे से, मैं बहुत ही अच्छे से, मतलब मन से कह रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम सही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जीआरएफ तक क्लियर होगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि मैं आपको मन से तैयारी करा रही हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी करा रही हूँ, जिस तरीके मैंने तैयारी की वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या है, इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है, ए जगदीश गुप्त जो हैं वह ब्रज से हैं, ठीक है, और बी जो है बंसीधर शुक्ल वह अवधि से हैं, इंसूरी जो हैं बुंदेली से हैं, सूर्यमल मिश्रण जो हैं वह राजस्थानी से हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका जो है सही है, तो इसमें जो है 4 जो ऑप्शन है वह 7 नेक्स्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से, आप देखते भी जाइएगा, देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से हम जो क्लियर कर रहे हैं इस तरीके से ग्रीन बन के आएगा, पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, देखिए
हमारे जो भी मॉक टेस्ट होंगे उनमें 100 क्वेश्चन हैं, इसी तरीके से एनटीए में भी 100 क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट से, ठीक है। आप फर्स्ट पेपर का भी इनरोल कर सकते हैं और सेकंड पेपर का भी, ठीक है फ्रेंड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कंठ ओष्ठय ध्वनि का उदाहरण, मतलब कंठ भी आता है और ओष्ठय भी, तो वह कौन सा इसमें वर्ण है, वह है औ, ठीक है। औ जो है कंठ ओष्ठय में आता है, तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का संयोग में है, आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि कन्नौजी अवधि नहीं हो सकता, ब्रज बघेली नहीं हो सकता, छत्तीसगढ़ी बांगड़ू नहीं हो सकता, खड़ी बोली और बुंदेली, यही डी ऑप्शन इसका जो है सही है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जिस तरीके से पेपर सॉल्व करा रही हूँ आपको कैसा लग रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको 7 नेक्स्ट कर दें, मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी से तैयारी करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से इजी से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, जेआरएफ तक हो जाएगा आपका, ठीक है। पहली बार अगर दे रहे हैं या आप नेक्स्ट दे रहे हैं, आप 3-4 बार दे चुके हैं, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं वो लगभग 4 बार या 5 बार दे चुके हैं, निराश हो गए हैं, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, हो सकता है आपने सही से ना पढ़ पाया हो या कोई भी वजह रही हो, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। नेट पास करना, नेट क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आपको उसका पैटर्न, मतलब उसके लिए आपको सही रास्ता, आपको किस तरीके से करना है ये पता होना चाहिए। बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं कि बहुत सारा पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, शब्द जब है वो वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रखता है तब वह पद, क्योंकि वाक्य तो लिखा ही है, ध्वनि ध्वनि हो ही नहीं सकता, समास समास कोई तात्पर्य ही नहीं है, तो पद जो है सही होगा इसमें, ठीक है। और ये थर्ड ऑप्शन हम क्लिक कर देते हैं और 7 नेक्स्ट कर देते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं। अर्धमांगदी अवरण से विकसित बोली है किस, अब अर्धमांगदी अवरण से विकसित बोली है तो आप बता भी सकते हैं, बघेली पूर्वी हिंदी से है, अर्धमांगदी से पूर्वी निकली है और पूर्वी से बघेली, मैं आपको तीनों बता देती हूँ, इसमें तीन ही आते हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधि, ठीक है। बघेली यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, बघेली छत्तीसगढ़ी और बघेली छत्तीसगढ़ी और अवधि, ठीक है। और ये यहाँ पे बांगड़ू, ब्रजभाषा, भोजपुरी ये अन्य हैं, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, तो आप इस तरीके से पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें आता है इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त मतलब संयुक्त क्या हो सकता है, च, इसमें कोई संयुक्त की बात ही नहीं है, टा भी नहीं, और औ तो एक स्वर है, व्यंजन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसमें क्या है, क्या जो है संयुक्त है, ठीक है। का प्लस सा से छा बनता है, ठीक है, का प्लस सा से छा बनता है, छा छत्री वाला, छा ठीक है, छत्री वाला, तो इसमें छा से पहले आने वाला वर्ण भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि छा से पहले क्या आता है, तो आप बता सकते हैं का, ठीक है। इसमें राइट आंसर यही होगा का, अगर का ऑप्शन में है तो आप उसे ही क्लिक करिएगा, यही राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो आपको असफल करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक वन ऑप्शन जो है ये सही होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं मैं विद्वान नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। अगर आप मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, आपको सब कुछ आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो, ठीक है फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है, अष्टम या आठवीं अनुसूची, ठीक है। आपको ये भी मालूम होगा हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, अष्टम सूची पूछा गया, 12 अनुसूचियाँ हैं और 3 सूचियाँ हैं, ठीक, अष्टम सूची में पूछा गया है। तो इसमें जो भाषाएं अष्टम अनुसूची में जो आता है, भाषाएं ही आती हैं आठवीं अनुसूची में, तो इसमें कौन सी नहीं है, तो डोंगरी भी है, मणिपुरी भी है, मैथिली भी है, ठीक है। आपको एक बात और बता दूं, अंग्रेजी जो नहीं जो है वो हमारी अष्टम हमारे संविधान में नहीं लिखा है, उसमें हमारी भाषाएँ जो हैं संविधान की भाषाएँ उनमें अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी का पूरा प्रेशर हमारे ऊपर है, क्योंकि हम विकास चाहते हैं और विकसित विकास के लिए हमें सभी भाषाओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, हम जितनी भाषाएं सीख लें, ठीक है। तो इसमें जो छत्तीसगढ़ी है वह नहीं आती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी कहीं पे नहीं लिखा है, ठीक है, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ का कहीं पे वर्णन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी जो है, तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये सही होगा, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं इनमें से कौन अनुभव का एक भेद है, मैं आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है फ्रेंड।
और आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हमारा जो टेस्ट चल रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन सेट किए गए हैं, कोई बेफालतू के क्वेश्चन नहीं रखे गए हैं। और मैं आपको जो बता रही हूँ इसमें तो आपके दो तीन क्वेश्चन शायद सही हो ही रहे होंगे, एक क्वेश्चन से दो तीन बन रहे होंगे ना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये हैं व्याकरण से क्वेश्चन, तो इनमें कुछ अलग से बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इनमें से कौन अनुभव का एक भेद है, तो क्या है भेद पूछा गया है। तो 18 क्वेश्चन है हमारा, इसमें आहार्य आहार्य जो है एक भेद है किसका, अनुभव का, ठीक है। तो इसमें कौन सा डी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। 7 नेक्स्ट करेंगे और 19 क्वेश्चन देखेंगे हम। सत्य में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेरित होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन है, इसमें सी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर देख लीजिए, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेरित होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो वहाँ पे सी मतलब व्यंजना, ठीक है। व्यंजना जो है शब्द शक्ति होती है, आपको मालूम होगा आविदा लक्षणा व्यंजना, ठीक है, ये शब्द शक्ति हैं। तो इसमें व्यंजना जो है राइट होगा। 7 नेक्स्ट करते हैं। इसी तरीके से आपका NTA नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, सेम इसी तरीके। और आपको यूट्यूब चैनल पर शायद मुझे लगता है कोई भी इस तरीके से पेपर नहीं सोल्व कराएगा और ना ही देगा, और देगा भी वो भी इस हल्के, मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन आप देख लीजिए, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है, ठीक है, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा, कायिक होगा, वाचिक होगा, आहारी होगा या सात्विक होगा, तो आप मुझे बताइए। इसका डी ऑप्शन जो है सही होगा, सात्विक, ठीक है, सात्विक जो है इसका सही होगा, डी ऑप्शन। ये अनुभव है, आप देख सकते हैं अनुभव है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ जा सकता है इनमें से कौन अनुभव नहीं है, ठीक है, या है, तो आप देख लीजिए ये अनुभव है, कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नेक्स्ट करके। निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है, ठीक है। अलंकार आपको मालूम होगा प्रमुख 3 हैं, उसके बाद में बहुत सारे अलंकार दिए गए हैं, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग दिए हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बता चुकी या रीतकाल में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करा दूँ जिससे आप प्रैक्टिस टेस्ट में भी आपके अच्छे नंबर आ सकें और आपका मनोबल जो है बढ़ सके, ठीक है। और आप अगर एक बार आपके अच्छे से नहीं आ रहे हैं मार्क्स प्रैक्टिस टेस्ट में, आप बार बार आपको दिया जा रहा है, बार बार आप सॉल्व करिए, आखिरी तक आपका बहुत अच्छे से जो है बहुत अच्छे से निकल के आएगा परिणाम, देख लेना, ठीक है। तो श्रृंखला मूलक कारणमाला, माला दीपक, एकावली, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हैं श्रृंखला मूलक हैं। काव्य लिंग जो है ये नहीं है, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो सही होगा। 7 नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है, तो आपका मालूम होगा ओकार, उकार, ठीक है, आकार बहुला भाषाएं जो बहुला बोली है, तो उसमें जो है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी जो है किस में आती हैं, ओकार में आती हैं, और नहीं तो यह खड़ी बोली जो है ये नहीं आती है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका जो होगा सही होगा। ए ऑप्शन इसका मतलब सही होगा, तो इसमें इस तरीके से हम चेक करेंगे। 7 नेक्स्ट करके 23 क्वेश्चन देखते हैं। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे आपके 23 क्वेश्चन जो है इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 2 प्रकार का, ठीक है, 2 प्रकार का, ठीक है। 7 नेक्स्ट करेंगे, 24 क्वेश्चन देखेंगे। आपको मालूम है अनुक्रम से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप, इसमें तो आपको बहुत इजी से ध्यान देना होगा कि कहाँ से शुरुआत होती है, पहले ध्वनि निकलती है, फिर शब्द निकलता है, फिर वर्ण और फिर वाक्य, ठीक है, ध्वनि फिर शब्द, पहले ध्वनि से शुरुआत होती है, फिर शब्द बनता है, फिर पद बनता है, फिर वाक्य बनता है, ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। और ध्यान से देखिए सुनिए कि ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य अगर क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका 4 ऑप्शन जो है सही होगा। 24 7 नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 25। इसमें भी आपको बहुत ईजिली ये चीज़ें देखनी हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर्ष में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है, ठीक है, व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम पूछा गया है,
तो इसमें क्या आता है आप देख लीजिए, इस तरीके इसमें भी अगर आपको एक सही मालूम है तो आपको सारे मतलब आपका क्वेश्चन जो है सही होने वाला है। तो इसमें आपको मालूम होगा कंठ जो है पहले आता है, और कंठ कहीं पे तीनों में कहीं पे दिया नहीं है, तो कंठ ताल दंत यहाँ पे वस् दंत ओष्ठ, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन जो है राइट है। ठीक है फ्रेंड, आपको कैसा लगा हमारा क्लास आप बताइएगा। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो इनरोल कर लीजिएगा और शेयर करिए, जिससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। आपको पता चलेगा आपके सब्जेक्ट से कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, कमेंट करके भी बताइए, ठीक है। और देखिए हम आपको दिखा दें जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, वो यहाँ पर 24 आ चुके हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन जो है 7 नेक्स्ट नहीं किया है, तो ये भी कर देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 26 क्वेश्चन आ रहा है और हमारे 100 क्वेश्चन हैं पूरे। देखिए ये हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आपने अगर इनरोल नहीं किया है तो आप इनरोल कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय जय जय।